जो दूसरों की थाली में झांकते हैं उनसे सबसे बड़ी भूल पता है क्या होती है? उनको खुद की पहचान करने की ताकत नहीं मिलती। एक व्यापारी था, हीरों का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था, अक्सर जाना होता था, दो रात का सफर होता था ट्रेन में। एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठा और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा सेठ जी का माल आज लेना है। हीरो की पोटली थी, सेठ जी जैसे ट्रेन में बैठे भांप गए, इंट्यूशन आ गई सेठ जी को, चोर पीछे लग गया। बैठ गए, दोपहर में ही सो गया चोर, क्यों, उसको रात्रि को जागरण करना था ना, तो जल्दी सो गया। जैसे चोर शाम हुई और जल्दी सो गया, सेठ जी 10 बजे रात को सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाल ली और चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा चेक कर लिया, सामान गायब, कि ये क्या चक्कर हुआ। 2 से 5 बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेब में रख ली। अभी तो एक रात हुई है, दूसरी रात को चोर फिर शाम को सो गया और सोते ही सेठ जी वापस 10 बजे सोने से पहले अपनी पोटली उसकी जेब में रख दी। वो वापस 1-2 बजे उठा, सेठ जी को पूरा चेक कर लिया, खंगाल लिया, लेकिन पोटली नहीं मिली। सुबह 8 बजे मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई मुंबई सेंट्रल पे। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप मेरा खानदान सब चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे छुपाई किधर थी। सेठ जी ने बोला, मूर्ख पूरा विश्व दूसरों की तरफ निगाहें करता है, कभी खुद की तरफ निगाहें नहीं करता। अगर तूने एक बार भी खुद की गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे मालिक। लेकिन तू जीवन भर जैसे दूसरों के में देखता रहा, ऐसे तू मेरी तरफ ही देखता रहा। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। खुद का सुख खुद में, खुद की कीमत खुद में।